भाग रहे हो, भाग क्यों भाग क्यों रहे हो? भागो 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 भागो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग मथुरा आ रखे हैं। तो मथुरा आने के बाद हम होटल से यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, तो अभी हम खाना और इस होटल का नाम है बसेरा रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ खाना खाने आए, पहले चलते हैं अंदर, पहले खाना वाना खाते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मतलब मूर्ति लगी हुई है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हम यहीं पर खाना खाने जा रहे हैं। आई लव बसेरा। चलो चलते हैं अंदर। वेलकम, यहाँ बैठो। झूमर लगा हुआ था, अच्छा ना। तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो हमने खाने में मंगाया है सिंपल दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और रोटी। तो खाना आता है, पहले खाना खाते हैं। और ये छीके जा रही, पता नहीं। और दीदी यहाँ बैठी, अम्मी यहाँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। और फिलहाल होटल बड़ा अच्छा है। बाहर ना झूले लगे हैं पूरे में बच्चों के लिए, और झूमर उमर लगे हैं सारे में। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और रोटी और सैलेड, जो कि मुझे दिख रहा है। और अब खाना खाते हैं फटाफट। तो गाइस, हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी शाम हो गई है। और देखो पीछे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, और यहाँ पर लाइट जल गई है। तो अरे जो मूर्ति थी ना, और बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर डिस्को भी है क्या? ऊपर शायद डिस्को वगैरह भी है, ये पूरा ऐसा है। और यहाँ से झूले वगैरह लगे रखे हैं बच्चों के। अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी हम अपने रूम पे आ चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। फिर अभी हमें 9 बजे रेडियो ना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम, और दीदी की 10 बजे की एंट्री है। फिर दीदी को 2-2.5 घंटे गाना है, जैसे भी गाना है। फिर मतलब 12:30-1 बजे तक दीदी की एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद वापस आएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे सीधा स्टेशन। फिर वहाँ से दिल्ली की ट्रेन है सीधा हमारी। तो हाँ, यही है बस आज का रूटीन। अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, हम सुबह से आए थे ना, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो बस लेट आऊँ। तो मैं थोड़ा रूम से बाहर आ गया, क्योंकि अभी ना लाइट बार बार जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। और मैं सो गया था, मेरी आवाज़ से बल्ब चल रहा होगा। भाई इतनी अच्छी नींद आई ना जब एसी ऑन था। यहाँ ऐसा हो रहा है कि आधा घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। तो हम ऐसे सोए हुए थे पसीने में, बहुत मतलब हमें बहुत थकान हो रखी थी ना उस समय से, सो गए हम सारे के सारे। अभी उठे और अभी आधे घंटे हम लोग रेडी हो गए, जहाँ पर है ना प्रोग्राम वहाँ पर पहुँचना है। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं अंदर, दीदी मम्मी। तो हम आ गए बाहर डैडी रूम में। तो पहले वो रेडी हो जाते हैं, 10-15 मिनट में दीदी रेडी हो जाएगी, मम्मी रेडी हो जाएंगी, फिर हम जाएंगे, फिर हम भी रेडी हो जाएंगे, और आधे घंटे में निकल जाएंगे जहाँ प्रोग्राम में। तब तक बाहर वेट करता हूँ मैं भी एक बार, बस फटाफट दीदी मम्मी रेडी हो जाएं, फिर हम रेडी हो जाएंगे। मैं तो भाई अच्छी नींद में सो रहा था ना, मन नहीं कर रहा था उठने का, क्या करें। तो अभी दीदी रेडी हो चुकी है और मम्मी भी रेडी हो चुकी है, बस डैडी नहा रहे हैं, फिर मैं रेडी होता हूँ। मेरे को तो बस फटाफट मुँह धो के बस कुर्ता पजामा पहनना है। डैडी नहा रहे, डैडी थोड़े पसीनों पसीनों गए थे ना, इसलिए मेरे को नहीं हुआ इतना। फटाफट मुँह धो तो फिर रेडी होता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और दीदी बाहर जा चुकी है, और डैडी भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया। मैंने ब्लू कुर्ता पहना, डैडी ने व्हाइट कुर्ता पहना। हम लेट हो गए, हमारी बाहर गाड़ी खड़ी है और हम फटाफट निकल रहे हैं। ये ना ताला रूम का, रूम पे ताला लगाते हो, चलते हैं। गाड़ी आ चुकी है हमारी, और ये हमारा होटल था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वहाँ सामने बाबा कीर्तन है, वहीं जा रहे हैं बस हम। यहाँ पर आ चुके हैं हम, और सामने बाबा का वो कीर्तन जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है आज, चलते हैं। Yeah.
तन करवाऊंगा फिर तमिल करूं ऐसा इतिहास बना दूंगा मोह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए ये परिवार उसको बहुत बहुत बधाई और ये सब की गलियों में घूम गया समझ लो के बाबा की दीदी की एंट्री तो हो गई अभी तो दीदी यहाँ पर है ये हमारे अंकल जी हैं अंकल जी की माध्यम से आज हमें माध्यम से आज हाजिरी मिली है मथुरा में पहली बार आए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जय श्री राम भैया जय श्री राम अंकल जी नहीं नहीं छोड़ो अब तो गाइज हम जो हमारा प्रोग्राम था वहाँ से निकल गए तो हम इस होटल पे रुके हैं हम होटल से पहले खाना पैक करा रहे हैं तो हमारा जब खाना पैक हो जाता है तो खाना पैक करा के चलते हैं होटल पे वहाँ खाना खाएंगे फिर उसके बाद खाना खा के हमारी 4 बजे की ट्रेन है अभी 2 बज रहे हैं तो फटाफट खाना खा के फिर वहाँ चलेंगे स्टेशन पर तो यहाँ से पहले खाना पैक हो जाए फिर चलते हैं होटल फिर खाना खाते हैं ये होटल है फैमिली ढाबा श्री राधा रानी तो यहाँ से खाना पैक हो रहा है तो गाइज हमारा खाना पैक हो चुका है इसमें और हम निकल चुके हैं होटल की तरफ तो भाई हम होटल आ चुके हैं वापस भाग रहे भाग क्या हुआ भाग क्यों रहे हो भागो 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 तो गाइस हम होटल पे आ गए और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए अब फिलहाल हम लेट हो रहे हैं क्योंकि अब 3 बज चुके हैं मेरे लोगों का फोन पकड़ो अपना क्योंकि अब 3 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी में रख दूँ पहले बैग फिर से हमें निकलना है स्टेशन के लिए चलो रूम चलो चल रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं धन्यवाद अंकल जी तो अभी हम स्टेशन पे आ गए अभी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो हमारा ये वाला स्टेशन है इसी स्टेशन पे हमारी ट्रेन आ जाएगी तो अभी है टाइम आने में तब तक वेट करते हैं जब तक आती है हमारी ट्रेन आएगी शायद 4 बजे के आसपास अभी कितने बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 3:30 तो अभी 20-25 मिनट में शायद आ जाएगी हमारी ट्रेन तो अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमने स्प्राइट ले ली और ये क्या है जो कुरकुरे और ये है पानी की बोतल और हमारा खाना पैक हो चुका है ये हमारा खाना है तो हम ये खाना ट्रेन में बैठे खा लेंगे क्या हुआ और जो हमारा खाना है वो हम ट्रेन में बैठे खाएंगे आराम से ताए 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 चाय तो बस जल्दी हमारी आ जाए ट्रेन और फिर निकलते हैं घर यार फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है अभी हम अपनी ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और ये हमारी सारी सीटें हैं ऊपर नीचे हमारा प्लान तो ये था कि हम खाना वाना खाएंगे पर अब हमारा प्लान चेंज हो गया कि अब घर पे जाके खाना खाएंगे क्योंकि ना इसमें खोलना पड़ेगा फिर उसमें कितनी कितनी प्लेटें छोटी छोटी इसमें कैसे टाइम जरा सा टाइम है 1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे तो हम 1.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे अपने घर का 6 बजे पहुंच जाएंगे ना कोई बात फिर आराम से सब खा लेंगे घर पे अगर आराम से खाना मुझे तो अभी एडिटिंग भी करनी है मैं ऊपर आके एडिटिंग कर लेता हूँ ठीक है तो मैं अभी अपने ऊपर वाले सीट पर आके बैठ गया सबसे ऊपर बैठा हूँ मैं और लोग नीचे बैठे हैं सारे दीदी हाय करो और मैं सबसे ऊपर आके बैठ गया मैं ही बैठ के अपनी एडिटिंग कर लूँगा और यहाँ पर ना फैन चल रहा है मेरे बगल में सोच रहा हूँ हाथ ना घुस मैं तो भी अपनी ऊपर वाले सीट पर आके लेट गया और मैं फिलहाल अभी अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ मैंने अभी चेक करा तो हम 2.5 घंटे बाद अपने स्टेशन में पहुँचेंगे निज़ामुद्दीन पे मथुरा से अभी निकले हैं 2.5 घंटे यार मैंने सुपर फास्ट वाली ट्रेन नहीं करी यार चलो कोई नहीं अब तक एडिटिंग कर लेता हूँ मैं तो गाइस फाइनली मेरी एडिटिंग हो चुकी है अभी और एडिटिंग में मेरे को 2 घंटे लग गए 2 घंटे हाँ 2 घंटे हो गए और देखो सुबह हो चुकी है जब मैं एडिटिंग कर रहा था उस समय 4 बज रहे थे मैं 4 बजे एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी और अब 6 बज रहे हैं 6 बजे मेरी एडिटिंग ख़त्म हुई है और अब सुबह हो गई फिर गाइस इतनी मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉगिंग डेली ब्लॉगिंग कोई आसान चीज़ नहीं है लोगों को बहुत आसान लगता है देखने में लोग देखते हैं बस पर
जो कर रहा है, जो एडिट कर रहा है, जो रोज नींद खराब करके अपलोड कर रहा है, उसको पता है ना। तो नीचे उतरते हैं, नीचे बैठते हैं। बाय द वे डैडी यहाँ सो रहे हैं, डैडी चश्मा पहन के सो गए, दीदी नीचे लेटी हुई है, मम्मी उधर लेटी हुई है और मेरी ये वाली सीट है। अब हम नीचे जा रहे हैं, दीदी नीचे जाए, नीचे आ जाऊँ, नीचे आ जाता हूँ। अपलोड कर रहा है क्या तू? अपलोड कर रहा है क्या? तो मैं भी नीचे आ गया और नीचे आके बैठ गया और खिड़की के पास अब बैठा हूँ मैं। दो घंटे से मैं एडिटिंग कर रहा था और ऐसे बैठा था। मम्मी दीदी हवा ले रही थी, मैं हवा ले रही थी, मैं नहीं ले पा रहा। फिलहाल सुबह हो गई यार, वो सोचो रात भर हमने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी हम जाएंगे घर फिर खाना खाएंगे। तो हम दिल्ली आ चुके हैं और अपने स्टेशन पे उतर चुके हैं, अब चलते हैं फटाफट घर यार, बहुत थकान हो गई है। तो गाइस अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर पे, बहुत थक गए आज। अभी हमें घर पे जाकर खाना भी खाना है यार। ओह भाई फाइनली पहुंच गए, फाइनली घर पे आ गया। हम घर तो आ गए, फिलहाल अभी पहले अपने कपड़े चेंज करता हूँ फिर खाना खाते हैं यार। तो गाइस मुँह धोके तो आ गया, तो मम्मी ने क्या किया, ये जो है ना मेरा चार्जर नीचे गिर गया था मुझे ट्रेन में, तो मैंने साबुन से धो दिया उसको है। गंदा हो रहा था, फिर भी मम्मी ने साबुन से धो दिया चार्जर को। देखते हैं अभी कुछ करके कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ थोड़ा था गंदा वहाँ पर, जहाँ नीचे गिर गया ट्रेन में मुझसे, तो यार साफ कर लेते सैनिटाइजर से, साबुन से कौन धोता है। ठीक है अब खाना डाल दो। तो कैसे भी खाना खाते हैं, तो जो ये खाना है हमने वहीं से पहले, जो मैंने आपको होटल दिखाया था हमने वहीं से पैक कराया था, तो हमने ट्रेन में तो खाया नहीं, तो अब खा रहे हैं। तो खाने में शाही पनीर थी, दाल मखनी और थोड़ा हरी मिर्च और नींबू और रोटी। तो गाइस फिलहाल मेरा खाना पीना भी हो चुका है और हम बहुत खुश चुके हैं इस समय। हम दोनों का खाना हो चुका है और वो लोग अभी नहाने में लगे थे, हम लोग फ्रेश होके भी आ गए, नहा के भी आ गए और हमने खाना भी खा लिया। तो अभी फिलहाल आज के लिए बस इतना ही यार, क्योंकि अभी हम थक गए बहुत और हम सोएंगे ना मम्मी, अभी तो हम पता नहीं शाम तक सोने वाले हैं हम। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने वाले हैं और हम शाम तक सोने वाले, क्योंकि भाई दो दिन से ढंग सोए नहीं हम। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बोल दो सब्सक्राइब कर देंगे और मिलते रहते अपने न्यू ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट मेरे लिए, गुड मॉर्निंग आपके लिए, गुड नाइट। दीदी अंदर बैठी है, मजे ले रहे हो एसी के? थक गए बेटा, थक गया, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है एसी में।